दीर्घ प्लस दीर्घ बराबर दीर्घ, चमु प्लस ऊर्जा चमु ऊर्जा, भू प्लस ऊर्ध्वा भूर्ध्वा। इस तरह से आपके ये उ वाला हो गया। अब री, री में री प्लस री बराबर दीर्घ री, इसका उदाहरण दो ले लेंगे, मातृ प्लस ऋणम मातृणम और पितृ प्लस ऋणम पितृणम। तो इस तरह से आपके दीर्घ स्वर संधि का पूरा उदाहरण अयुरी, ह्रस्व का समान स्वर मिलता है तो दीर्घ होता है, ये आपके अयुरी का ये सब का उदाहरण दीर्घ स्वर संधि में आपको लिखवा दिया गया। अब आप आगे दूसरा जो है गुण स्वर संधि पढ़ेंगे। थैंक यू। हाँ तो देखो बच्चों, तुम लोगों को स्वर संधि पढ़ा दिए, संधि पढ़ा दिए, संधि की परिभाषा लिखवा दिए, स्वर संधि के भेद भी बता दिए, और स्वर संधि में जो भेद होता है पांच, उसका दीर्घ स्वर संधि का परिभाषा उदाहरण सहित सब काम लिखवा दिए। अब तुम लोगों को अभ्यास के रूप में प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, उस प्रश्न उत्तर को तुम लोग घर से करके लाना है। पहला प्रश्न है कि संधि की परिभाषा और भेद लिखें, संधि की परिभाषा और भेद लिखें। संधि की परिभाषा लिखवा दिया गया, भेद भी लिखवा दिया गया है। भेद तीन होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तुम लोग वो सब लिखवा दिया गया, उसी को तुम लोग को पुनः अभ्यास के रूप में करना है। फिर दूसरा प्रश्न है स्वर संधि किसे कहते हैं, उसके भेद लिखे, ये भी लिखवा दिया गया है, आपको लिखना है फिर से। फिर दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे, जैसे कि सबका उदाहरण लिखवाए हैं, अ प्लस अ बराबर आ, फिर आ प्लस आ बराबर आ, फिर ई वाला लिखवाए हैं, ई प्लस ई बराबर दीर्घ, फिर उ वाला भी लिखवाए हैं, उ प्लस उ बराबर दीर्घ, फिर री प्लस री बराबर दीर्घ री, सबका उदाहरण लिखवाए। वही चीज आप लोगों को फिर लिख लेना है अपने कॉपी पर। इसके बाद चौथा प्रश्न इसमें है अभ्यास में, संधि संधि करना है, संधि कीजिए, संधि और एक संधि विच्छेद दो होता है। तो यहाँ पहला चौथा प्रश्न है संधि कीजिए, जैसे